जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कराची, आपको पता है कराची किस वक्त किस कंडीशन में, रोड किस कंडीशन में, और ये वजह ये कि आबादी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, ओवरलोड, और जाहिर सी बात है सीवरेज, पानी और बहुत सारे मसाइल। और इस वक्त केडीए के जो डीजी साहब मौजूद हैं, शाह साहब, मैं उनसे बात करती हूँ और थोड़ा वो ब्रीफ करेंगे। ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है सबको सहूलत मुहैया करना, लेकिन बर्डन ज़्यादा हो तो कैसे मैनेज किया जाए। मैं देख रही हूँ काफ़ी दौड़ें मेरी भी लगी हैं, इनके पीछे भाग रही थी, तो बात करती हूँ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। सर मैं माशाल्लाह देख रही हूँ आप अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे कि अभी क्या हालात हैं कराची के? आज हमने प्री मानसून एक विजिट रखा था जिसमें तमाम इदारे के एमसी के नुमाइंदे, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के पीडी हैं प्रेम कुमार साहब, हमारे रामचंद साहब जो कि हमारे जो स्वीप के इंचार्ज हैं जो कि नालों की सफाई वगैरह देखते हैं, हमारे मेंबर फाइनेंस के डी ए के शुजात साहब। विजिट का मकसद ये था कि प्री मानसून अरेंजमेंट देख लें, जो नाले हैं जिनके अंदर अभी हम देख रहे हैं जो चोक पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करा लें, उसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट की नई स्कीमें चली हैं डेवलपमेंट की, उनके अंदर रोडें भी बन रही हैं और स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स भी हम क्लियर करा रहे हैं, तो उनका भी एक विजिट किया और जो है सेंसिटाइज किया अपने इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रेक्टर्स को कि आज स्पीड अप करें काम को, क्योंकि मानसून बिल्कुल सर पर है और डेवलपमेंट स्कीम्स को स्पीडी कम्प्लीशन की तरफ लेके जाएँ। ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप बारिश से पहले काम करें, वरना ये होता है कि जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं और काम शुरू हो जाता है, लेकिन अब बिफोर वर्किंग इतनी गर्मी में और आपने ये एक पहला कदम उठाया, तो इसका मतलब है कि कितने मंथ में ये रोड जो है बन जाएंगे, और बिफोर ये कि आपके जितने अभी मैंने देखा नाले वगैरह जो आप सफाई करवा रहे हैं ये क्लियर हो जाए। ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज चल रही है पिछले एक साल से ना, इसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स उठाए थे फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर, जिसमें गुजर नाला था, औरंगी नाला था जो मेन नाले थे, अब उन्हीं के साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो उन नालों तक पानी पहुंचाने के हवाले से उनको क्लियर कराया जा रहा है, ताकि शहर के अंदर जब भी हैवी रेनफॉल हो तो लोगों को तकलीफ ना हो। इतनी मेहनत जाहिर सी बातें करें कि आवाम जो है वो आसानियाँ उनकी तरफ हो जाए, लेकिन एक चीज़ है कि एक और चीज़ का सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं करते कि ये जो कचरा जो है ऑफ कोर्स लोग नाले में डालते हैं तो देन वो ब्लॉक होता है, फिर इसको निकलवाया जाता है तो टाइम ड्यूरेशन और पैसा बहुत ज़्यादा हर चीज़ ज़ाया होती है, तो इसका क्यों नहीं सोल्यूशन निकालते आप माशाल्लाह? इसका सोल्यूशन है जी, इस पर काम हो रहा है काफ़ी, कुछ जिलों को आप देखेंगे इसकी पोजिशन बहुत बेहतर है, आप जाके साउथ देखें, सेंट्रल ज़िले में हमें चैलेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर काम जारी है, उसमें जो है वो कुछ उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स हायर किए हैं चाइनीज़ कंपनीज़ को जो कि लैंडफिल साइट तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसको रिक्लेयर करें। मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा आपको वैसे? जी सर, ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है, रीअकरेंस हो रही होती है ना, डेली कचरा गार्बेज जनरेट हो रहा होता है, अब वो उसको एडजस्ट करें, जैसे इसमें काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी आपको, तो इन्होंने एडजस्ट कर लिया, अब लोगों को घरों के बाहर डस्टबिनें पहुँचानी हैं, ये फेज़ वाइज होना था, इसमें दो फेजेज हो गए हैं, इसके तीसरे फेज़ में कुछ हमारी लैंडफिल साइट्स इम्प्रूव हो रही हैं, कुछ गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बने हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा की जाएंगी, तो मैं समझता हूँ साल दो और लगेंगे ये स्कीमें कम्प्लीट होने में। मैं एक चीज़ देख रही हूँ बहुत पॉजिटिविटी, ये कि सिंध हुकूमत बहुत एक्टिव चली, सारे जो लोग डिपार्टमेंट जिन लोगों के प्रेमिसज में आ रहे हैं, जैसे कि हमारे KMC में भी हैं और DMC डिफरेंट जगहों पर, आप लोग सब एक्टिव चल रहे हैं, तो कुछ खास प्रेशर है या काम करना है? गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतरब आप साहब की तरफ से डेली प्रोग्रेस दी जाती है, तो उनको हमें रिपोर्ट भी करना होता है डेली के जी हम क्या काम करें, अब क्या पोजीशन है, जहाँ इश्यूज़ आ रहे होते हैं फिर हम लोग खुद आके देख के जाते हैं, फिर उनको रिपोर्ट करते हैं, ताकि जो भी फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं या और कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो फौरी तौर पर हटाए जाए और काम आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। कचरे का जो आपने पूछा तो उसमें यह है कि अभी पहले कराची के चार डिस्ट्रिक्ट में कचरा उठाते थे सॉलिड वेस्ट, अब पूरा कराची उन्होंने ले लिया है, सवाए सेंट्रल के उसके दो चार इलाके रहते हैं, तो इस वजह से अभी इस दफ़ा कचरा भी कम होगा। दूसरी बात है कि हमने सारे नाले कराची के DMC के ये वो सब साफ कर रहे हैं, तो अभी हमारी टीम अच्छी है, PCIC वाले देख रहे हैं, इस दफ़ा कोई ये अगर बन जाता है उनको, हमारी कोशिश है बिफोर मानसून बन जाए तो शरा फैसल या कहीं ऐसा इशू नहीं आए। मैं पता चलूँ कि नालों की जो सफाई कर रही है KMC कर रही है, सेकेंडरी CM साहब ने एक कमेटी बनाई है 6 रुकनी, उसमें मेरा नाम है, लेकिन ये काम है KMC का, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि कमेटी बनाई और हमारे ऊपर नेस्पाक है, हमारा बाकायदे कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो सफाई लैंडफिल साइट पे जाएगा और जो पर्ची निकलेगी उसी पे पेमेंट होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं होगा। थैंक यू सर, रामचंद्र सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह कहते हैं घर का सरबराह बहुत स्ट्रांग हो और वो लुक आफ्टर करे तो ऑफकोर्स घर की फैमिली भी बहुत अच्छी ग्रूम अप होती है, इसी तरह अगर हमारे शहर के अंदर अगर हमारा मेन पर्सन
अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, तो ऑफ कोर्स जितने नीचे काम करने वाले हैं वो भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। बेस्ट ऑफ लक सिंध हुकूमत।